अक्षय प्राशर। आराम से भाई, आराम से। ओह, एक ठोक दी। सुबह का 11:30 हो गया और अभी जस्ट नहाने के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। आज मैं, आज है दिन महाशिवरात्रि का, आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और अभी मैं जा रहा हूं दोस्तों महादेव टेंपल, जहां पे पहले भी गया था मैं, बट ब्लॉग तो आपको 3-4 दिनों के बाद ही मिल रहा होगा। सो एक्चुअली क्या था कि जो सिद्धू मूसेवाले के वहां पे मैं गया था, तो उसके जो ब्लॉग्स थे वो पार्ट्स में थे, सो जिस करके थोड़ा सा ये ब्लॉग मेरा डिले हो गया। सो अब बस चल रहे हैं अपने को यहाँ से। और स्वागत आप सबका नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होने, फुल मौज में होने। बाइक धुलवाने को हो गई है यार, धुलवानी पड़ेगी ये मेरे को। आज शिवरात्रि है तो भाई मंदिरों में बहुत भीड़ रहने वाली है, खासकर शिव मंदिरों में बहुत भीड़ रहने वाली है आज। यहाँ पे भी है एक मंदिर, साथ में ही है एक मंदिर, और अपन जो जाएंगे वो जाएंगे महादेव मंदिर में। 81 फुट वाली मूर्ति है जहाँ पे मैंने दिखाया था ना आपको पहले, तो आज वहीं भी जा रहा हूँ मैं। वहाँ माथा टेकेंगे और वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे। और आज मैं निकल जाऊँगा मैं गाँव वापस, क्योंकि अपने को काम है बहुत ज़रूरी गाँव में। तो गाँव जा रहा हूँ वापस मैं बिलासपुर, ऊना से बिलासपुर। तो अब चलते हैं मंदिर, गाड़ी हो गई गर्म। तो अभी हम आ गए मेन रोड पे। क्या बताऊँ आपको यार, मैं कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा यार, जब से मैं वहाँ जाके आया ना भाई सिद्धू मूसेवाले भाई के घर पे, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रह रहा है। मतलब काम करने का ना इच्छा सी नहीं हो रही है यार, ज़बरदस्ती शूट कर रहा हूँ ब्लॉग। मैं बताऊँ आपको, राधा कृष्ण मंदिर कोटला कला संत बाबा बाल जी महाराज जय हो। अरे यार आगे फाटक लगा हुआ है यार। 11:30 हो रहे हैं, 11:30 बजे भरी कौन सी ट्रेन जा रही है अब, तो 11:30 बजे वाली ट्रेन जाएगी तब जाके ये फाटक खुलेगा भाई। यहाँ पे फिर भी ठीक है, पंजाब में जाके आया मैं तो भाई वहाँ पे तो लोग फाटक के जो होता ना ये, तो इसके नीचे से क्रॉस करते हैं, तो वो बहुत रिस्की रहता है यार, क्योंकि ये दूसरी ट्रेन तो ठीक है यार, पर जो नई ट्रेन है ना जो वंदे भारत वगैरह, भाई उनकी तो आवाज़ भी नहीं आती है जब वो आती है, उनकी बिल्कुल साइलेंटली आती है वो तो, और काफ़ी स्पीड में आती है, तो उसमें काफ़ी रिस्क है यार, मत क्रॉस करो ये सब। 2 मिनट वेट कर लो, कुछ नहीं है, फाटक खुल जाएगा तो सभी जाएंगे। ये है साबरमती दौलतपुर चौक। काफी लोग चले हुए हैं, आधे से ज्यादा तो पैदल जा रहे हैं भाई। तो इसको चिपका रहा हूं मैं फेविक्विक के साथ ताकि गिरे ना। शाबाश, तो भाई पूरा ऊना महादेव मंदिर जा रहा है आज, पूरा ऊना आराम से कह रहा हूं मैं, पूरा ऊना जा रहा है, बहुत भीड़ है, गाड़ियां गाड़ियां बाइक्स ही बाइक्स हैं, देख सकते हो आप दोस्तों नज़ारा भाई महाशिवरात्रि का। महादेव मंदिर ऊना, ओहो पुलिस भी है यहाँ पे, मतलब पूरा मेला है भाई आज तो यहाँ पे। अब मेरे को लगता है बाइक मुझे यहीं पे लगानी पड़ेगी। बाइक अपने को बड़ी ध्यान से लगानी पड़ेगी यार, ये लोग ना काफी आ रहे हैं इसके क्लोज। सो मैंने कहा था ना आपसे कि बाइक लगाऊंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा नाइट में, देखे बच्चे आ गए यहाँ पे तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखना पड़ता है बाइक का। ये बहुत तगड़ा अरेंजमेंट है भाई, डीजे डीजे चारों तरफ, भोले भोले हो रही है, भोले भोले, क्या बात है। देखिए भाई माथा टेकने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी यहाँ पे।
जितनी मैंने भीड़ सोची थी भाई ये उससे डबल है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, लाइन देखिए आप, नीचे से लाइन शुरू है अंदर तक, मंदिर के अंदर तक भाई। और देखिए दोस्तों अंदर भंडारा चल रहा है, भंडारा देखिए आप, हॉल देखिए कितना बड़ा हॉल है भाई। दोस्तों मैं आ गया मंदिर से बाहर, यार बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे आगे नहीं कह रहे हैं कि हर साल ही ऐसी होती है यहाँ पे, अभी तो कम है, अभी और ज्यादा बढ़ जाएगी शाम तक ऐसा कह रहे हैं भाई। पर दर्शन तो नहीं हुए भाई मेरे को, झूठ क्यों बोलना, क्योंकि लाइन बहुत लंबी आपको दिखाया मैंने, लाइन नीचे तक लगी हुई है। सो अपने पास टाइम कम है क्योंकि अपने को जाना है यहाँ से वापस गाँव, वहाँ पे अपने को काम है और मत्था वहीं पर टेकेंगे अब जाके, गाँव में जाके, वहाँ भी है हमारे, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके करेंगे दर्शन। सब चलते हैं यहाँ से, करते हैं बाइक स्टार्ट क्योंकि टाइम कम है अपने पास और लेट हो गया हूँ मैं। एक बात बढ़िया हो गई कि भाई मंदिर जाके आया तो भाई मेरा मन बहुत शांत हुआ भाई, मजाक नहीं, बहुत शांति मिली मुझे। क्योंकि भाई जब से मैं वहाँ से आया ना सिद्धू मूसे वाले भाई के घर से जाके, तो भाई उस दिन से भाई मेरे ना कसम से सर में दर्द सा रह रहा था भाई। दर्द इसलिए हो रहा था कि बंदे ने इतनी मेहनत करी, इतना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करा भाई, गाड़ियाँ 2.5-3 करोड़ की गाड़ियाँ, हाँ वो करोड़ों की वो हवेली, और उस हवेली में बंदे को 10 दिन भी रहने नहीं नसीब हुआ। तो ये सब देख के भाई मन बहुत उदास था मेरा। और बैग लगाना है बाइक पे और निकलना है गांव क्योंकि आगे पहुंचना है टाइम से यार, वहाँ पे भी अपने को जाना है, मंदिर में पूजा करवानी है तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा टाइम से। ओहो वंदे भारत न्यू दिल्ली, स्टोरी ले लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, 5 घंटे में दिल्ली। यूट्यूबर हैं अक्षय प्राशर, आराम से आराम से आराम से भाई आराम से। ओह एक ठोक दी, पता नहीं क्या जल्दी लगी रहती है भाई इनको। शिवरात्रि आज तो वैसे भी भीड़ ज़्यादा होनी है भाई। और सामने है रेलवे स्टेशन, अपने को लेना है कि यार कोक का बॉटल अगर मिल जाए यहाँ पे, कोक पीने का मूड कर रहा है मेरा को चिल्ड, हाँ है यहाँ पे। टाइम क्या हो गया, टाइम भाई 4 बज गए 4, यहाँ से 1 घंटा लग जाना है अपने को पहुँचने में, तो पहले कुछ पी लेते हैं यार, गला सूख रहा है बहुत मेरा। आज देख लो आज मैं जा रहा हूँ फॉर्मल कपड़ों में, वैसे मैं चलता हूँ ग्लव्स पहन के अपना, जैकेट वगैरह पहन के, पर क्या है कि आज ना भाई घर में जो है रूम में ताला लगा हुआ है, सो जिस करके मेरा सामान जो वो अंदर रह गया, सो अपने को 1 घंटे में पहुँचना पड़ेगा अंधेरे से पहले पहले, वरना भाई ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। सो चलते हैं यहाँ से, देखो ना बिना ग्लव्स के बाइक चलाना ना मज़ा नहीं आता यार, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है और हाथों में निशान पड़ रहे हैं, देखिए मेरे को हाथ पड़ी हुई है ग्लव्स पहन के चलने की। सो ग्लव्स तो भाई अपने अंदर रह गए, सो ऐसा कि घर में पड़े हैं मेरे पास दूसरे ग्लव्स ना, जब वापसी में आऊँगा तो वो पहन लूँगा मैं, पर अब फिलहाल अपने को पहुँचना है यार। हर हर शंभू शंभू। और हरदौर से यहाँ से 16 किलोमीटर हमीरपुर 32 हमीरपुर 32 बाबा नाथ जी की तपस्थली में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अपने को जाना है शिव मंदिर, शिव मंदिर अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है दोस्तों, ए दोस्तों दोस्तों दोस्तों। सो हम पहुँच गए हैं हरसौर, हरसौर जगह का नाम है, और यहाँ पे मंदिर वहाँ जाएंगे पहले।
ओहो क्या हाल है? ठीक ठाक है। बढ़िया 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 बढ़िया। बस आए मत्था टेक लिए। हाँ भीड़ ज्यादा नहीं? मैं आई यार। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है तो भाई चलने मैं भी। ठीक है करो चला। कोई नहीं आंग फेर होंगे। कैमरे के माउंट का स्क्रू लूज हो गया था, पता नहीं आपको कैमरा एंगल सही आया भी कि नहीं आया। सो पहुंच गए हम शनि मंदिर मसलाना कला। साठ किलोमीटर दूर से आया भाई, आके पूजा कर ली यहाँ पे, मथा टेक लिया। सो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। आप सभी को हर हर महादेव। सो फुलार टाइम भी हो गया यार, बहुत भूख लगी थी जोरों से। भोलेनाथ ने कहा भाई फुलार खा तू आज फुलार। मैं चलो ठीक है जी फुलार खाते हैं, बहुत टेस्टी है। हर हर महादेव।